दरगाह के आसपास फूल चादर बेचने वालों ने जिला प्रशासन से दुकानें खोलने की अनुमति देने की मांग। फूल चादर प्रसाद आदि बेचने वालों ने जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। राज्य सरकार के आदेशानुसार अनलॉक 3.0 के तहत 73 दिन बाद धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति तो प्रदान कर दी गई, लेकिन मंदिरों और मस्जिदों में फूल चादर प्रसाद आदि चढ़ाने पर पाबंदी लागू रखी गई। इसके चलते लगभग 10,000 से ज़्यादा लोग फूल चादर और प्रसाद बेचने के व्यवसाय से जुड़े हैं, जो बेरोजगार बैठे हैं। ऐसे ही लोगों ने आज फूल चादर प्रसाद आदि की दुकानें खोलने की अनुमति प्रदान करने की मांग करते हुए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। फूल चादर प्रसाद आदि बेचने वालों ने बताया कि पिछले 1.5 साल से वे लोग लॉकडाउन की वजह से बेरोजगार हो चुके हैं। बार बार लॉकडाउन लगने से धार्मिक स्थलों को भी बंद कर दिया गया, जिसके चलते उनका व्यवसाय बिल्कुल ठप पड़ा है। ऐसे में उन्हें अपना परिवार का भरण पोषण करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब जब धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति प्रदान कर दी गई है, तो उन्हें भी व्यवसाय करने की अनुमति दी जाए, ताकि वह भी अपने परिवार का भरण पोषण कर जीवन यापन कर सकें। जी, कलेक्टर साहब ने कहा है कि बस जो भी है आपकी समस्या है आपको उसको हल करी जाएगी और मैं आगे पूछाऊंगा, इसको आपकी बात रखी जाएगी, जल्द से जल्द आपकी दुकान खोली जाएगी। क्या मांग करिए? मांग यही है, हमारी चादर फूल की दुकान बंद है, ये खोली जाए और हम सब का रोजगार बंद पड़ा हुआ है, इसको हमारी दुकान भी खोली जाए और हमारी परेशानी का हल भी निकल जाएगा। दरगाह भी खोल दी है, मगर खुशी की बात दरगाह खुल गई हमारी, अच्छी बात है, मगर इस दौरान हमारी दुकान भी खुल जाएगी तो हमारा भी पेट चल जाएगा इससे। ओके, हम कम से कम 7-8 हज़ार लोग बेरोजगार बैठे हैं इससे, फूल चादर की वजह से। ये चादर फूल खुली जाएगी, इससे हमारा काम भी चालू हो जाएगा। कलेक्टर साहब ने हमारी बात रखी है, इंशाल्लाह जल्द से जल्द खुल जाएगी।